मुरादाबाद महानगर में आगामी 4 मार्च से 5 मार्च तक मुरादाबाद क्लब में चड्डा लाइफस्टाइल लॉन्ग टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन कराया जा रहा है। स्वर्गीय हरभजन सिंह चड्डा की याद में लॉन्ग टेनिस प्रतियोगिता में देश भर के कई प्रदेशों के खिलाड़ी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। मुरादाबाद क्लब में प्रतियोगिता के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में करणवीर सिंह, गुरजीत सिंह चड्ढा, संजीव जैन, डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, राजीव जैन, करण दुग्गल, राहुल अग्रवाल सहित कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहे। सभी का ये कहना था कि इस टूर्नामेंट को यादगार बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और 17 वर्ष से लगातार ये टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है। होना है मुरादाबाद में, और ये टूर्नामेंट का नाम है CLT चड्डा लाइफ स्टाइल HS चड्डा मेमोरियल टेनिस टूर्नामेंट। सर इसमें और कितने ये पर पूरे इंडिया से ही टीमें आ रही डबल हैं, कोई एक शहर से नहीं आ रही। ये काफ़ी फेमस हो चुका है, ये हम 17 साल से करा रहे हैं, ये 18th इवेंट होने जा रहा है। बताएं आपको, दिल्ली से भी आ रहे हैं, बॉम्बे से, देहरादून से, बेंगलोर से, मसूरी से, नैनीताल से, एवरीवेयर कोई जगह, मतलब कि जितने शहर हैं आसपास के, मेरठ से, पूना, जोधपुर, एवरीवेयर, मुरादाबाद, इंडिया के सब जगह से आ रहे हैं। और इसमें इंटरनेशनल खिलाड़ी भी आ रहे हैं जो हमारे इंडिया के इंटरनेशनल गेम जो खेलते हैं जाकर के बाहर। क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही करना चाहेंगे, हर आदमी को खेल के साथ जुड़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि एक तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है ये। उसके बाद हमने यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाया है कि इस पर आप लोग आएंगे, आपका एक इस खेल के बारे में जागरूकता होगी, तो लोगों, बच्चों को, सबको समझ आएगा। तो यहीं से इंटरनेशनल खिलाड़ी यहीं से और निकलेंगे हमारे। और इस बार 18वें वर्ष ये टूर्नामेंट आयोजित होगा जिसमें सभी का भरपूर योगदान रहेगा। की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये, यहाँ पर एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है चड्डा लाइफ स्टाइल टूर्नामेंट, जो मुरादाबाद में, मुरादाबाद क्लब में 4 मार्च को स्टार्ट होगा सुबह 9 बजे के लगभग, और 5 मार्च को करीब 4 से 5 बजे के बीच में इसका समापन होगा। जो हम लोग 17 साल से इस टूर्नामेंट को मुरादाबाद में करा रहे हैं और ये 18वां टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट को कराने का बहुत बड़ा श्रेय टीटू भैया जी, जो हमारे साथ बैठे हैं, जिनका इंटरव्यू अभी आप ले रहे थे, टीटू चड्ढा जी, और मेरे साथ में बैठे हैं अवनीश रस्तोगी जी, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। 17 साल से ये टूर्नामेंट करा रहे हैं और 17 साल से इन्होंने इस टूर्नामेंट को इतना बड़ा टूर्नामेंट बना दिया कि जब भी ये टूर्नामेंट स्टार्ट होता है उससे 1 महीने पहले से ही बुकिंग आनी शुरू हो जाती हैंगी, और हम लोगों को मना करना पड़ता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड समय है, हमको 48 आवर्स के अंदर ये टूर्नामेंट खत्म करना होता है, हमारी समय की बात होती है। तो लगभग मेंबर 140 से 150 लोग इस बार इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्लेयर, 95+ और 105+ के इसमें 2 इवेंट्स हैं। 95 का मतलब हुआ कि 2 लोग जो खेलेंगे उनकी टोटल आयु जो है वो 95 होनी चाहिए मिलके, और 2 लोग जो खेलेंगे उनकी 105 होनी चाहिए टोटल मिला के। इसके अंदर हम लोग ₹4,000 इसकी एंट्री रखते हैंगे इसके अंदर, जिसके अंदर हम लोग रूम्स की व्यवस्था, लग्जरियस रूम रखते हैं हमारे, जैसे जितने बड़े यहाँ के मुरादाबाद के होटल्स हैं, क्योंकि ये प्लेयर हैं, टेनिस खेल रहे हैं, वो एक अच्छे परिवार से होते हैं और वो लोग पूरा इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलते हैंगे, तो उनको वो सुविधाएं भी नहीं मिल पाती हैं जो हम सुविधा देते हैं। इसी वजह से हमारा ये टूर्नामेंट बहुत फेमस हो गया है, जिसमें रहने की व्यवस्था है, उनको लाना है, उनको ले आना है, साथ में सारी फूडिंग की व्यवस्था है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है। उसके अलावा हम 4 मार्च को इवनिंग में हम लोग एक ग्रैंड गाला नाइट करते हैं, जो कि इस बार 24 ड्राइविन में होगी, और जिसमें हम साथ में प्लेयर के साथ में जो और अच्छे लोग हैं मुरादाबाद के, जो लोग कितने किसी भी गेम से जुड़े हुए हैं, चाहे गोल्फ खेल रहे हैं, चाहे टेनिस खेल रहे हैं, चाहे बैडमिंटन खेल रहे हैं, हम लोगों को उनको इन्वाइट करते हैंगे। और साथ में हम 4 लोग, आपको बताया 140 से 150 प्लेयर्स आएंगे आएंगे जो पूरे देश से आएंगे। लगभग लगभग मैं आपको बताऊं तो जैसे आसपास के एरिया में मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, बरेली है, काशीपुर है, रामनगर है, देहरादून है, बीकानेर है, जोधपुर है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, बॉम्बे है, बंगलौर है, मतलब पूरे देश के अंदर। वो तो हमने ही इसको थोड़ा सा लिमिटेशन कर रखी है क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कराने का, और समय का, और हमारे पास कोर्ट्स भी कम है एक्चुअली, इसमें हमारे पास 2 कोर्ट्स हैं, अगर हमारे पास एक जगह 3-4 कोर्ट्स हो तो हम ज़्यादा भी बड़ा टूर्नामेंट करा सकते हैंगे, जिसका उद्घाटन 4 तारीख को सुबह 9:30 बजे के लगभग, 10 बजे के लगभग माननीय हमारे रेस्पेक्टेड DIG सर शलभ माथुर जी करेंगे, और उनके साथ में हमारे कप्तान सर हेमराज मीना जी भी यहाँ उपस्थित रहेंगे, और हमारे जो इन्वाइटीज हैं, CUT चड्ढा जी हैं, भैया के चाचा जी हैं,
वो भी साथ में रहेंगे और बाकी इतने लोग हैं साथ में देख रहे हैं, राजीव जैन बैठे हुए हैं, संजीव जैन भाई साहब हैं, हमारी पूरी एंटायर टीम है मुरादाबाद की, डॉक्टर अनुराग अग्रवाल जी हैं कॉस्मोस से, डॉक्टर पी गुप्ता जी हैं वरदान नर्सिंग होम से, और मैंने आपको बताया अवनीश रस्तोगी, राहुल जी बैठे हुए हैं, करीब यहाँ पे एक बहुत बड़ी फ्रेटर्निटी है टेनिस की, लगभग 100 प्लेयर्स ऊपर हो चुके हैं। साथ ही ये भी बताया गया कि इस प्रतियोगिता का शुभारंभ DIG और जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाएगा। टेनिस टूर्नामेंट 17 साल हो गए इसको, ये 18वां चड्डा लाइफस्टाइल टूर्नामेंट आयोजित होने जा रहा है, जिसको कराने का पूरा श्रेय यहाँ के मशहूर उद्योगपति मुरादाबाद के चड्डा ग्रुप को जाता है। इन्होंने जब इसको स्टार्ट किया था तो सिर्फ लोकल बेस पे स्टार्ट किया था, सिर्फ हमारे मुरादाबाद नगर के ही उसमें खिलाड़ी भाग लेते थे, धीरे धीरे आसपास के लोग इसमें भाग लेने लगे। आज ये इस ऊंचाई पर ये टूर्नामेंट पहुंच गया है कि जिसमें देश भर से यहाँ पे लोग भाग लेते हैं, बेंगलोर से, असम से, इम्फाल से, राजस्थान से, हरियाणा, पंजाब, अमृतसर, हर स्टेट से इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए लोग, जो सीनियर्स के ये टूर्नामेंट है, बेसिकली ये सीनियर्स के लिए टूर्नामेंट है, तो इसमें जितने भी सीनियर्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, सभी यहाँ पर आकर लगातार यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करते हैं। और ये टूर्नामेंट हिंदुस्तान के जो प्रसिद्ध टूर्नामेंट हैं, जो उसमें ये एक शुमार हो गया है, और उसमें सभी लोग इसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और ये जो टूर्नामेंट था, इस टूर्नामेंट को हमारे चड्डा ग्रुप के हरभजन सिंह चड्डा जी ने स्टार्ट किया था, पर अब ये टूर्नामेंट उनकी पुण्य स्मृति में, हम उनकी याद में ये टूर्नामेंट को अब आयोजित करते हैं कि उनकी याद हमारी बनी रहे। और ये जो टूर्नामेंट है 4 और 5 मार्च को यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। 4 तारीख को गाला डिनर रहता है, हर खिलाड़ी जो यहाँ पर पहुँचता है उसकी सुख सुविधाओं का सभी ख्याल हमारे जो कन्वीनर हैं अवनीश रस्तोगी, अभी जैसा करणवीर जी ने आपको बताया, और जो मुख्य इसका जो जिनके नेतृत्व में ये कार्य होता है वो हमारे श्री गुरजीत सिंह चड्डा जी, संजीव जैन आदि, जो टेनिस का जो सुबह का जो क्लब है वो इसको आयोजित करता है, और जो भी खिलाड़ी इसमें आता है उसकी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान यहाँ के चड्डा ग्रुप के जो पंकज सक्सेना हैं वो उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सारी वो देखते हैं। तो खिलाड़ियों के ठहरने और खान पान की सभी व्यवस्थाएँ पूरी हो चुकी हैं। वर्ष हो गया और ये लगातार आयोजित हो रहा है और चड्डा ग्रुप की तरफ से इसका आयोजन होता है, और इसके मेन जो कर्ता धर्ता संचालक हैं वो हमारे अवनीश रस्तोगी जी हैं, जो इसको पूरी तरीके से इसका कार्यान्वयन करते हैं और इसको आयोजित करते हैं, और सभी लोगों का सहयोग रहता है, जैन साहब हैं, करण जी हैं, और सभी लोग इसमें सहयोग करते हैं। और इस तरह के टूर्नामेंट आयोजन होने से ये है कि एक हम लोगों में टेनिस के प्रति रुचि बनी रहती है, और दूसरे हम लोगों को प्रोत्साहन भी मिलता है, और हमें देख देख के जो नई जनरेशन है उसको भी प्रोत्साहन मिलता है। हालांकि ये सीनियर्स का टूर्नामेंट है, लेकिन इसके साथ इसके वजह से जो नई जनरेशन है, यंग बच्चे, उनको भी प्रोत्साहन मिलता है। तो इस तरह के टूर्नामेंट बहुत ही लाभकारी रहते हैं, मुझे लगता है कि हमेशा होते रहने चाहिए, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि हमेशा होता रहेगा चड्डा लाइफस्टाइल। थैंक यू।